कोटा जिले के सुल्तानपुर नगर में भारत सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशानुसार तैनात रैपिड एक्शन फोर्स की 83 बटालियन के कमांडेंट प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उप कमांडर राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में सी 83 बटालियन की एक प्लाटून ने इटावा पुलिस उपाधीक्षक शिवजीलाल पुलिस थाना सुल्तानपुर के थाना प्रभारी संदीप विश्नोई एवं अन्य पुलिस कार्मिकों के साथ मिलकर संवेदनशील एवं अति संवेदनशील क्षेत्रों में परिचित अभ्यास किया तथा साथ ही स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर मुख्य बाजारों एवं सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उस स्थान इलाके में तुरंत पहुंचकर शीघ्र तथा प्रभावी कार्यवाही की जा सके। इसके साथ ही पुलिस थाना सुल्तानपुर के शांति समिति तथा प्रमुख जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर शांति एवं भाईचारे से मिलकर रहने तथा अप्रिय घटना होने पर तुरंत बातचीत द्वारा सुलझाने के बारे में समझाया। इस अवसर पर तहसीलदार दीगोद मनोज कुमार भी साथ मौजूद थे। आपको बता दें कि रैपिड एक्शन फोर्स की 83 बटालियन 21 जून से 27 जून तक कोटा जिले के पुलिस थानों का भ्रमण व परिचित अभ्यास करने के लिए आई है। इस दौरान परिचित अभ्यास के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा किए गए परिचय अभ्यास की जानकारी देते हुए राजेंद्र कुमार उप कमांडेंट 83 बटालियन ने बताया कि इलाके की जनसंख्या सामुदायिक दृष्टि से संवेदनशील जगहों तथा विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा तथा बलवाइयों की सूची तैयार की जाएगी ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई सांप्रदायिक तनाव एवं दंगा की स्थिति घटित होने या प्राकृतिक आपदा होने पर अधिक कारगर ढंग से उस पर नियंत्रण एवं कार्यवाही की जा सके। बल के सदस्यों द्वारा राजनीतिक दलों समाज सेवी संगठनों की भी जानकारी प्राप्त की जाएगी। द कार्य बल द्वारा सभी क्षेत्रों का सांकेतिक चित्र भी बनाया जाएगा। इस ये हमारा एक नियमित अभ्यास है जो कि कानून व्यवस्था शांति व्यवस्था के लिए सुनिश्चित करने के लिए जो नियमित तौर पर किया जाता है। जो भी डिस्ट्रिक्ट हाइपर सेंसिटिव या सेंसिटिव होता है तो वहाँ पर यह अभ्यास किया जाता है ताकि वहाँ की स्थिति का जायजा लिया जा सके और अधिक से अधिक शांति स्वार्थ का संदेश भी साथ में दिया जा सके। और लोगों को ये महत्वपूर्ण संदेश पहुँचना चाहिए कि जीवन में शांति ही एक उद्देश्य है जिसके साथ इंसान अच्छा जीवन जी सकता है जी। तो इस फोर्स का यही उद्देश्य है क्योंकि यह दंगा नियंत्रण बल है और इसका प्राइम उद्देश्य है या पूरे राष्ट्र में इसका क्षेत्र है। तो ये नियमित रूप से ये जो सभी सेंसिटिव एरियो में जाके वहाँ पर थोड़ा अभ्यास किया जा सकता है कि किसी प्रकार के अनहोनी इंसिडेंट ना हो। अगर होती है तो उसको तुरंत जो है कार्रवाई किया जा सकता है।